हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स क्लास 11th का टर्म 2 का सैंपल पेपर। आज से सैंपल पेपर स्टार्ट होने वाला है और ये कंटिन्यू चलेगा आपको जब तक सैंपल पेपर कंप्लीट ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर का सेट 1, मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर है ये। तो देखिए सेक्शन ए, इसमें दो से तीन सेक्शन मिलेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में आपका दिया हुआ है, आपको सॉल्व करना है 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन रहेगा आपका 7, सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन रहेगा, उसमें सॉल्व करना है 5 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, यानी 5 × 10 मार्क्स आपका आएगा सेक्शन ए से। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन ए। आपको फाइनल एग्जाम में सेलेक्ट करना है एनी 5 क्वेश्चन। हम आपको यहां पे सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, एग्जाम में आप कोई 5 सॉल्व कर दीजिएगा जो आपको बहुत अच्छा से आता हो। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इफ 1/(6+1/7)= x/(8), then find the value of x। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आपको सॉल्यूशन यहाँ पे देखिए ध्यान से। आपका एग्जाम थ्योरी एग्जाम है तो लिखना सीखिए, कैसे हम लोग एग्जाम में सॉल्यूशन देंगे कोई भी क्वेश्चन का। तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है ध्यान से देखिएगा, क्या लिखिएगा, इट्स गिवन दैट क्या गिवन है, 1/6 1/7 = x/8। ये आपका गिवन है। अब इसी को हम लोग जज करेंगे, ध्यान से देखिए, सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे छोटा के रिस्पेक्ट में बड़े वाले को तोड़ना है, बड़े वाले को ब्रेक करना है। तो चलिए ब्रेक करते हैं 1/6 + फैक्टोरियल का रूल आपको पढ़ा चुके हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देखें, तो यहाँ ज्यादा समझ में आएगा। 7 को तोड़ेंगे तो 7 × क्या होगा, 6/(x/8) को ब्रेक करेंगे 8 × 7 × 6, यानी 1 सब्ट्रैक्ट होते जाता है और जहां आपको रुकना है वहां रुक सकते हैं। अब यहां 1/6 कॉमन आ रहा है तो ये कॉमन आ गया, तो 1/1 + क्या बच गया 7, और x बाय इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 56 × 1/6, ये और ये कैंसिल हो गया आपका। यहाँ पे 1 लेकर के एलसीएम लीजिए, 7 + 1 = x/56। अब ये आपका बन गया 8/7 = x/56, ये आपका कट जाएगा 7 8 जा, तो आपका देखिए यहाँ पे बच गया 8/1 = x/8। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x = कितना आ गया, 64। दिस इज योर आंसर। ऐसे ही आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। नाउ हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे। 2 में क्या बोला जा रहा है, इफ nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज, यानी nth टर्म दिया हुआ है, देन फाइंड a17 एंड a24। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखिए आपका क्या हो जाएगा। यहां पे भी आपका गिवन है, इट्स गिवन दैट an मतलब nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, an = क्या है आपका 4n - 3। आपको फाइंड करना है फर्स्ट में a17, तो n का वैल्यू कितना हो गया 17, तो 4 × 17 - 3 मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, ऐसे जाएगा आपका, देखिए 7 × 28 2 बच गया, 4 × 6 ऐसे होगा यहाँ पे ऐसा। अब इसको माइनस कर दीजिए कितना बचेगा 65, तो a17 का वैल्यू आपका आ गया 65। एंड एक और पूछा जा रहा है a24, तो a24 = आपका देखिए 4 × a24, यहाँ पे 24, n का वैल्यू 24, यहाँ पुट कीजिए कितना होगा, ये n है आपका, ये क्या है n है, तो 24 - 3, 4 × 16, 4 × 8 और 9 - 3, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आएगा 93, तो a24 का वैल्यू आपका ये आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी 2 पॉइंट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए यहां पे क्या गिवन है, इट्स गिवन दैट एक पॉइंट सपोज कर लीजिए, पॉइंट का वैल्यू क्या है 3 - 2 एंड -1 - 1 और 4, ये आपका गिवन है। हम लोग को फाइंड करना है स्लोप, फाइंड द स्लोप। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट जब दिया हुआ है तो ये x1 का वैल्यू 3 हो गया और y1 का वैल्यू 2, x1 y1, और ये क्या होता है x2 का वैल्यू -1
और y2 का वैल्यू क्या आ गया 4। तो स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप का फॉर्मूला हम लोग को पता है, स्लोप ऑफ लाइन यहाँ पे क्या हो जाएगा AB, स्लोप इसको B सपोज कर रहे हैं इसको A, तो स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है y2 - y1 / x2 - x1, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे y2 का वैल्यू होगी कितना है 4 - x1, y1 का वैल्यू -2 / x2 का वैल्यू -1 - x1 का वैल्यू 3, तो ये 4 - प्लस और ये आपका आ गया -4, दैट इज ये कितना आ गया देखिए 6 - -4, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ गया 3 - -2, दैट इज द स्लोप जो आया -3 कितना आ गया 2, आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस समझ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे when two line perpendicular bisect each other at a point then form a cartesian plane, ऐसे ही कार्टेशियन प्लेन है। अब इसमें x एक्सिस में पॉइंट फाइंड करना है आपको, तो कहीं भी x एक्सिस में पॉइंट जो होता है वो होता है x, 0, अगर x एक्सिस में पॉइंट कहीं बोला जाएगा तो क्या बोलिएगा x, 0। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 6, यहाँ पे अब इसको देखिए रफली आपको फिगर समझ में आ गया। अब फिगर में क्या पता चला है कि x एक्सिस में पॉइंट होना चाहिए, सपोज कि ये x एक्सिस है तो यहाँ पे कोई पॉइंट है तो क्या है x, 0 है और एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, इक्विडिस्टेंस है, मतलब ये जो पॉइंट है वो दोनों का डिस्टेंस क्या है सेम है। तो सपोज कि यहाँ का पॉइंट है आपका और एक यहाँ बी पॉइंट है और ए पॉइंट आपका कितना है 7, 6 और ये 3, 4 ऐसे है, तो ये दोनों का हम लोग क्या करना है डिस्टेंस निकालना होगा। सपोज कि ये P पॉइंट था तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले सबसे पहले इट्स गिवन, गिवन क्या है आपका एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, इट्स गिवन दैट A 3, 7, 6 एंड B 3, 4, ये आपका गिवन पॉइंट हो गया जो इक्विडिस्टेंस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है कि AP इक्वल टू PB, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है इक्विडिस्टेंस है, मतलब क्या दोनों इक्वल है, तो AP इक्वल टू क्या हो गया BP, जब इक्वल है तो हम लोग स्क्वायर भी कर सकते हैं दोनों साइड AP² = BP² सपोज कीजिए 4 = 4 है तो क्या दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या अलग आ जाएगा वो इक्वल ही रहेगा, उसी तरह यहाँ दोनों साइड क्या कर दिए हम लोग स्क्वायर कर दिए। अब AP का डिस्टेंस निकालेंगे, AP का डिस्टेंस तो इसका क्या होता है डिस्टेंस √x2 - x1 यानी x - 7 का स्क्वायर + 0 - 6 का स्क्वायर, अब इसका क्या है होल स्क्वायर, AP का डिस्टेंस इतना आया इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, BP इसका क्या निकलेगा √, यहाँ भी देखिए क्या होगा x - 3 का स्क्वायर + 0 - 4 का स्क्वायर और इसका क्या है होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इसलिए दिए थे ताकि ये क्या हो कैंसिल आउट हो जाए, ये क्या हो जाए कैंसिल आउट। अब क्या बचा यहाँ x - 7 का होल स्क्वायर, तो यहाँ कोडेंगे क्या होगा x² - 14x + 49 + यहाँ हो जाएगा 36 = यहाँ भी देखिए क्या होगा x² - 6x + 9 + 16 ये आएगा आपका, सॉल्व कीजिए इक्वल साइड ये दोनों कट जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सेम कैटेगरी सेम टर्म वाला एक साइड आएगा -14x है और इधर से प्लस आएगा 6x ऐसा इक्वल टू ये यहाँ पे देखिए 25 हो जाएगा 25 माइनस ये दोनों को ऐड करके उधर माइनस में ले जाइए यहाँ कितना होगा 5 इसको ऐड करेंगे तो और यहाँ हो जाएगा 85 ये बचेगा कितना आपका देखिए 8x वो भी माइनस में बचेगा -8x और यहाँ क्या बच रहा है सब्ट्रैक्ट के लिए 0 का 0 यहाँ कितना होगा 6 यानी x का जो है यहाँ भी नेगेटिव बचेगा ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब x का वैल्यू क्या हो गया 60/8 अब इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 4 से 4 2 जा और 4 15 जा यानी x का वैल्यू आ गया 15/2 ये क्या आ गया 15/2 तो जो पॉइंट हम लोग को मिलेगा जो पॉइंट आएगा हम लोग को ये क्या था x, 0 तो x का वैल्यू कितना आ गया 15/2, 0 तो इस तरह से हम लोग का x एक्सिस का क्या आ गया पॉइंट आ गया ये आपका आंसर।
Now five number question है, find the coordinate of focus and the length of the latest rectum of the parabola. आपका question number five दिख रहा है, five का solution हम लोग करेंगे. तो it's given that आपका क्या है, equation of parabola क्या है, y² = 12x. देखिए यहाँ पे y² = 12x. तो आपको जब कोनिक सेक्शन पढ़ा रहे थे, ये क्या है, 4a का वैल्यू, 4a का वैल्यू कितना है 12, तो a का वैल्यू कितना निकल गया 3. अब हम लोग को फर्स्ट में क्या निकालना है, फोकस. ध्यान दीजिए क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस. तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है, सबसे पहले राइट हैंड पैराबोला है, और राइट हैंड पैराबोला फोकस क्या होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो फोकस जो इसका होगा वो होगा a, ± a, 0. फोकस हम लोग का क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, और पॉजिटिव डायरेक्शन कहाँ होता है, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, और a, 0. ये a, 0, तो a का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 3, 3, 0. ये फोकस का आंसर हो गया हम लोग का. नाउ सेकंड क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए, सेकंड बोला जा रहा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4a, ऐसे होता है 4a. तो 4 पहले से है, और a का वैल्यू कितना आ चुका है 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12. ये हो गया हम लोग का लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और ये हो गया आपका फोकस. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, नेम द ऑक्टेंट इन द पॉइंट इन व्हिच द पॉइंट दिस एंड दिस लाइज. तो आप पढ़े होंगे 3D, यानी इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री में आपको बताए थे ऑक्टेंट. ऑक्टेंट क्या होता है पहले समझ लीजिएगा, ऑक्टेंट निकालने का ट्रिक बताए थे, टेबल बताए थे, एक टेबल ऑक्टेंट क्या होता है 3D में, वो आपको यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा. देखिए यहाँ होता है फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, ऐसे जाएगा. 8 ऑक्टेंट होता है टोटल, पूछा जाएगा कितना ऑक्टेंट होता है, तो 8 ऑक्टेंट होता है. और ये क्या होता है, कितना एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई जेड, 3 एक्सिस होता है, एक्स वाई जेड. तो इसको निकालने का मेथड क्या था, कि पहले चार ये याद रखिएगा ट्रिक, एग्जाम में आपको याद नहीं रहेगा कौन सा मेथड कौन सा ऑक्टेंट में पॉइंट जाएगा. तो सबसे पहले टेबल ड्रॉ करना सीखिए. टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट ऑक्टेंट, ये ऑक्टेंट का नेम हो गया, ये एक्सिस हो गया. तो ट्रिक क्या है कि जेड एक्सिस में पहले 4 प्लस दीजिए और 4 माइनस दीजिए, 4 + 4 - हो गया. उसके बाद 2 + 2 - 2 - 2 - उसके बाद 1 + 2 - फिर 2 + 1 - फिर 2 + 1 - 2 - हमेशा 2 जाएगा. स्टार्ट करना है 1 से, ट्रिक समझे, पहले 4 + 4 - 2 + 2 - 2 + 2 - 1 + 2 - 2 + 2 - 1 + अब ध्यान दीजिए आपका पॉइंट क्या है. देखिए पॉइंट पे फोकस कीजिएगा, पॉइंट आपका 1, 2, 3 है. तो आपको पॉइंट का क्या देखना है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है. तो ढूंढिए प्लस, अब नहीं मिल रहा है क्या, नहीं मिलेगा. दैट इज यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट दिस लाइज ऑन फर्स्ट ऑक्टेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट ये पहला. सेकेंड क्या बोला जा रहा है, सेकेंड कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट पीटी पॉइंट, पॉइंट -4 - 2 - 3. अब ध्यान दीजिए -, तीनों में माइनस है, ढूंढिए माइनस कहाँ, तीनों है, ढूंढिए फटाफट, यहाँ देखिए -, तो आपका क्या हुआ, पॉइंट दिस लाइज ऑन किस क्वाड्रेंट में, सेवेंथ ऑक्टेंट. 3D वाले को ऑक्टेंट बोलते हैं, 2D वाले को क्वाड्रेंट बोलते हैं. तो ये पॉइंट निकालने का, ऑक्टेंट निकालने का आपको ये टेबल ट्रिक है, टेबल ड्रॉ कर दीजिए एग्जाम में और तुरंत बता दीजिएगा. पॉजिटिव फर्स्ट, नेगेटिव सेवेंथ ऑक्टेंट. तो इस तरह से आपका आंसर हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा, ध्यान से देखिए. अ कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली, मतलब बार बार कॉइन को आपको बार बार फेंकना है, अंटिल अ हेड कम अप, जब तक हेड ना आ जाए. What is the sample space for this experiment? क्या इसका sample space होगा? तो ध्यान दीजिए आपको coin repeatedly फेंकना है, repeat करना है. तो इसका sample space क्या होगा? S क्या होगा?
आपको पता है प्रायोरिटी जब पढ़ रहे हैं यानी बिल्कुल हम लोग इमेजिन करते हैं, क्या करते हैं इमेजिन, एक पॉइंट लिए फेंके तो सपोज ये पहला में ही हेड आ गया, फिर फेंके तो हेड नहीं आया टेल आया, अबर फेंके तो क्या आ गया हेड आ गया, फिर फेंके दूसरा केस में तो टेल आया, फिर टेल आ गया लेकिन हेड आ गया, तो ऐसे ही चलते चलेगा ऐसे, फिर क्या आ गया हेड आ गया, ये रिपीटली चलते चलेगा आपको ऐसे ये चलते चलेगा, आपका यही आंसर हो गया रिपीटली हेड का। यानी पहले क्या आया, क्या क्वेश्चन पूछा है, आ पॉइंट एक ही पॉइंट है, ए चॉस रिपीटली मतलब बार बार फेंकना है अंटिल आ हेड कम अप, कब तक, जब तक हेड ना आ जाए, तो आप समझिए एक बार पॉइंट फेंके क्या चांसेस है हेड आने का, मे बी हेड आ भी गया तो लोग सपोज कर हेड आ गया, दूसरे चांस में क्या हेड आ सकता है, नहीं टेल आ सकता है, लेकिन अगला बार में भी क्या आ जाए हेड आ जाए, तो ये हम लोग एक सीक्वेंस ले लेते हैं रिपीटली में कि हेड आ गया फिर टेल हेड आ गया, टेल टेल हेड आ गया, टेल 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 हेड आ गया, टेल 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 हेड आ गया, तो इस तरह से हम लोग का नाउ क्वेश्चन नंबर 7 तक सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब लोग आते हैं सेक्शन बी में, नाउ अब हम लोग देखेंगे सेक्शन बी, सेक्शन बी में टोटल क्वेश्चन 7 रहेगा यानी 8 to 14, 8 टू क्या रहेगा 14 रहेगा, उसमें से आपको बनाना है 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन जब बनाइएगा तो एक क्वेश्चन का मार्क किया गया है 3, तो 5 3 = 15 यानी टोटल बी आपको देगा 15 मार्क्स और सेक्शन ए आपको बताया कितना 10 मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 57 एंड नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस। यानी टेलीफोन नंबर बनाना है, टेलीफोन नंबर बनाना है तो रिपीट तो नहीं करना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा आप अपना फ्रेंड पास लगाए कहीं और लग गया, तो रिपीट नहीं करना चाहिए डिजिट। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए इसका सॉल्यूशन 8 का, आपको यहां क्या दिया हुआ है, इट्स गिवन डिजिट, क्या दिया हुआ गिवन डिजिट आर, डिजिट आर क्या दिया हुआ डिजिट फोकस कीजिए 0 to 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये आपका गिवन डिजिट है। अब आपको बनाना कितना है 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, देखिए कितना डिजिट, इस मेथड को फॉलो कीजिएगा बहुत अच्छा मेथड है ये 1 2 3 4 5 डिजिट, 5 डिजिट बन गया। अब ईच नंबर क्या बोलता है, ईच नंबर स्टार्ट विथ 57, जितना भी नंबर बनेगा वो स्टार्ट होगा कितना से 57 से स्टार्ट होगा, फिक्स हो गया वो, तो जो दो डिजिट था वो दो डिजिट कट गया 5 और 7 का क्या कट गया क्योंकि पुट हो चुका। अब रिमेनिंग कितना बचा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 बचा, टोटल कितना बचा 8, तो आपके पास इतना ही ऑप्शन बचा हुआ भरने का, तो यहाँ पे 8 तरीका से फिल होगा, एक तरीका और चल गया यहाँ बचा 7 तरीका, एक और चल गया क्या बचा 6 तरीका, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर इक्वल टू क्या होगा, देखिए 6 × 7 × 8 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका टोटल 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर मिल जाएगा, कितना आ गया देखिए 7 6 = 42 इंटू कितना आएगा 8 8 2 = 16 कैरी बच गया 1 और 8 4 = 32 और 32 और 1 = 33 यानी टोटल आपका कितना टेलीफोन नंबर बनेगा 336। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो ध्यान दीजिए इससे और इसके बीच में कितना नंबर आएगा जो मल्टीपल ऑफ 5 होगा, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आपका यहाँ क्या बनेगा, नंबर जो बनेगा वो एक सीक्वेंस देगा, दैट मींस क्या देगा एक एपी देगा, तो एपी आर क्या दिया हुआ एपी 100 से बड़ा नंबर जो 5 से मल्टीपल हो तो क्या आएगा 105 आएगा, 110 आएगा, 115 आएगा, एक 5 का मल्टीपल में ऐसे चलते जा रहा है वो 1000 के नीचे कौन कौन सा होगा, देखिए तो 995 इससे कम और आएगा लेकिन इससे ज्यादा आएगा तो क्या होगा वो 1000 क्रॉस कर जाएगा, तो टोटल हम लोग का ये मिला सीक्वेंस यानी क्या मिल गया ये एपी मिल गया। तो इस एपी में देखिए ए मतलब फर्स्ट टर्म आपका कितना मिला
105, उसके बाद डी, डी कॉमन डिफरेंस होता है 110, 110 माइनस 105 क्या देगा 5, ए मिल गया डी मिल गया और क्या दिया ए एन, एन एक्स टर्म मतलब लास्ट टर्म आपका ये दिया हुआ है। अब आपको ए का फॉर्मूला से पहले एन निकालना होगा उसके बाद सम निकलेगा, नहीं तो सम निकालने का एक और तरीका है ध्यान से देखिए, इसको एल भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एल। तो सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म ध्यान दीजिए क्या होता है एन बाई टू, एन बाई टू ए प्लस एल, ए प्लस एल। तो यहाँ वैल्यू क्या है एन का, एन तो आपको पता नहीं है इसीलिए पहले आपको क्या फाइंड करना होगा एन। तो यहाँ एन का फॉर्मूला पुट करेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 995। ए का वैल्यू आपको पता है 105 प्लस एन नहीं पता है आपको, डी पता है आपको 5 इक्वल टू 995 ऐसे। तो ये 105 हो गया, ये दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो 5n माइनस 5 इक्वल टू 995 ऐसे जाएगा। इसको इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना बचेगा देखिए 100 बचेगा और 100 उधर चला जाएगा माइनस में तो क्या बचेगा आपका ये हो जाएगा। नाउ n का वैल्यू 5 से डिवाइड होगा यानी 5 से काटिए इसको, 5 1 जा 5 3 बच गया, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 बचा कितना आपका 35, 4 बच गया, 5 9 जा 45 यानी n का वैल्यू कितना आ गया 179। अब यहाँ पे n का वैल्यू यूज कीजिए, n का वैल्यू यूज करेंगे यहाँ 2, a का वैल्यू 105 प्लस l का वैल्यू 995। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, चलिए इसको ऐड करते हैं 5 5 10, फिर यहाँ क्या आ गया 10, 9 1 10, 9 1 10 और 1 11 ये आपका आ गया। चलिए इसको काटिए क्रॉस हो गए 5 2 5 10, 2 5 10 और ये 0 यानी 179 इंटू 550। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इसको इतना से इतना इंटू इतना मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 903950। ये आपका सम ऑफ एन टर्म आ गया जो मल्टीपल ऑफ क्या होगा 5 होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड लाइन थ्रू द पॉइंट -26 and 48 इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, अगर इसका मैप देखें तो बोलता है एक पॉइंट यहाँ है जिसका वैल्यू -26 है और यहाँ एक वैल्यू पॉइंट है जिसका 0.48 है, एक लाइन जा रहा है परपेंडिकुलर जिसका पॉइंट है 8 12, यहाँ पे कितना है 8 12 और यहाँ पे है x, 24। तो बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये क्लू क्या दे दिया दोनों क्या है परपेंडिकुलर, क्लू क्या है परपेंडिकुलर। तो सपोज ये a है ये b है ये c है ये d है, तो आपको क्या पता चला ab परपेंडिकुलर cd, ab परपेंडिकुलर cd क्या दिखा आपको क्वेश्चन में है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ab परपेंडिकुलर cd, ab परपेंडिकुलर cd। तो हम लोग इसमें क्या है कि स्लोप फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ ab, स्लोप ऑफ ए बी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 ये x2 y2 ये x1 y1 x2 y2, तो y2 आपका क्या होगा देखिए 8 माइनस 6 by 4 माइनस 2 मतलब प्लस हो जाएगा, देखिए कितना आएगा 2 by 6 यानी 1 by 3, ये किसका आ गया स्लोप ए बी का। नाउ हम लोग क्या लिखेंगे नाउ स्लोप ऑफ सीडी के लिए उसी तरह क्या करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 इसके लिए क्या होगा 24 माइनस 12 अपॉन x माइनस 8, तो यहां माइनस करेंगे कितना आएगा 12 बाय x माइनस 8। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था वहां पे देखिए, ये सपोज कीजिए m1 का वैल्यू है, ये सपोज कीजिए m2, m मतलब क्या होता है स्लोप यानी एक सिंबल है m, तो क्या हो गया यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ab परपेंडिकुलर cd, तो क्या इसका रूल होता है m1 into m2 = -1। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे m1 का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू कितना है 1 by 3 into m2 का वैल्यू कितना है 2
12 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू माइनस 1, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 4 जा 4 बाय x माइनस 8 इक्वल टू माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो माइनस x माइनस 8 इक्वल टू 4, माइनस x प्लस 8 इक्वल टू 4, माइनस x इक्वल टू 4 माइनस 8, माइनस x इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस कट गया तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका 4, ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x का वैल्यू 4 आ गया आपका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन में 11 बोलता है फाइंड द इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, फाइंड इट्स स्लोप फाइंड करना है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में 11 को ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, 2x - 3y - 6, - 6 = 0, हम लोग को स्लोप फाइंड करना है, इसको स्लोप इंटरसेप्ट में चेंज कर देंगे, क्या चेंज करेंगे देखिए 2x और इसको हम लोग चेंज करेंगे y = mx + c के फॉर्म में, तो इसको चेंज कीजिए 2x - 6 = क्या होगा 3y, दैट मींस 3y = 2x - 6 हो गया, और y का वैल्यू निकालेंगे 3 डिवाइड में आएगा 2x - 6 / 3, तो y का वैल्यू ये दोनों को डिवाइड हो जाएगा यानी ऐसे ही डिवाइड हो जाएगा, तो ये कटता है तो ठीक है और नहीं कटता है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग ऐसे सेट करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ y equal to mx plus c, देखिए y y सेम है, इक्वल इक्वल है, x x है, c c सेम है, तो देखिए यहां ध्यान से m का वैल्यू, देयरफॉर स्लोप, m क्या है स्लोप, m स्लोप है, और आपका आंसर कितना आ गया 2/3। नाउ इसमें क्या है x इंटरसेप्ट, हम लोग x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट बनाएंगे, अब ध्यान दीजिए स्लोप तो हम लोग से फाइंड हो गया, अब क्या निकालना है x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों हम लोग किससे निकालते हैं, देखिए क्या होता है x / a plus y / b equal to 1, तो a क्या है x इंटरसेप्ट, y क्या है, ये b क्या है y इंटरसेप्ट, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में कोशिश करेंगे कि ट्रांसफॉर्म कर दें ऐसे, अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 6 दोनों साइड, 6 डिवाइड करेंगे तो क्या होगा ध्यान से देखिए, तो पूरा में 6 डिवाइड होगा, 6/6 हो जाएगा, यहां पे यहां आप लिख सकते हैं थ्योरी एग्जाम में तो लिख दीजिएगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6, ये तो बोथ साइड डिवाइड हो गया, ये दोनों डिवाइड होगा 2x/6 - 3y/6 = 1, ये कटता है तो काटेंगे, कट जा रहा है तो x / कितना हो गया 3, ये y / 2 = 1, अभी भी स्टैंडर्ड में नहीं आया है, यहां प्लस करेंगे यहां माइनस करेंगे ऐसे, अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ x / a plus y / b = 1, तो a का वैल्यू क्या पता चला 3 और b का वैल्यू -2, तो ये -2 क्या बता रहा है कि x एक्सिस y एक्सिस में नेगेटिव तरफ कटा हुआ है, ये नेगेटिव शो क्या कर रहा है, देखिए नेगेटिव क्या शो कर रहा है, ये x एक्सिस पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये y एक्सिस में जो जाएगा, y एक्सिस कहां कटा माइनस तरफ ऐसे लाइन दिया, ये x एक्सिस पॉजिटिव 2 डिस्टेंस पे कटा और y एक्सिस ये 3 डिस्टेंस में कटा x एक्सिस, और ये कटा कितना में -2 में कटा, मतलब नेगेटिव तरफ कटा, माइनस दिखा रहा है आपको क्या नेगेटिव y एक्सिस दिखा रहा है, माइनस नहीं होता है ये, माइनस डिस्टेंस माइनस नहीं होता है, सिर्फ आपको बता रहा है कि एक्सिस नेगेटिव तरफ आ रहा है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है सिंपल पेपर को, कंटिन्यू ये चलेगा आपका 11 तक कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा 12 13 14 और सेक्शन सी, तो इसमें बने रहिए, आपको सारा इसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, इस पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज आना चाहिए तभी आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिए, हम लोग फुल कोऑपरेट करेंगे, हम लोग को भी इसमें बहुत मेहनत लगता है, दोस्तों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को फायदा हो, ठीक है, ओके थैंक यू। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, ए क्या है, ए क्या है एक्स इंटरसेप्ट, ये देखिए एक्स इंटरसेप्ट, यहाँ आपको डिटेल बताए ए क्या है एक्स इंटरसेप्ट, ये यहाँ पे लिख दीजिएगा ए मेरा क्या है एक्स इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू कितना हो गया 3 और वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया, वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया -2 आपको बताया क्या बता रहा है इंडिकेट कर रहा है माइनस साइन तरफ है, ये आपका आंसर हो गया सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, और स्लोप पहले बन गया आपका, इसी तरह ये कंप्लीट हो गया।